नो नट नवंबर के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तंत्र महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नो नट नवंबर इसका मतलब है कि नवंबर महीने में इजैकुलेशन नहीं करना या वीर्यपात नहीं करना। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और ये एक मूवमेंट फॉरेनर लोग करते हैं, मतलब प्रदेश में काफ़ी लोग ये फॉलो करते हैं। ये एक कम्युनिटी है, ये एक चैलेंज करके लोग लेते हैं, एक कंपटीशन करके लोग लेते हैं, और जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बनाए हुए हैं। वो रूल्स ऐसे हैं कि नवंबर महीने में सेक्स करना है मगर इजैकुलेशन नहीं करना, वीर्यपात नहीं होना चाहिए। तो फिर आप सेक्स कर सकते हैं, ऑर्गेजम भी आपको आ सकता है, मतलब जो अत्युच्च जो लेवल है, परम सीमा जो है, चरम सीमा पर जो पहुँचते हैं वो पहुँच सकते हैं, मगर इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए आपको, बाहर वीर्य नहीं जाना चाहिए। वो एक कंडीशन होती है। इसमें आपने हस्तमैथुन भी नहीं करना चाहिए पूरा नवंबर महीना, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हस्तमैथुन भी नहीं करना चाहिए। आपने सेक्स करना है तो मतलब इंटरकोर्स करेंगे मगर इजैकुलेशन नहीं होगा, ये कंडीशन है। और एक भी बार आपका इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए, एक भी बार आपका वीर्यपात नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आप पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, पॉर्न वीडियो देख सकते हैं, सेक्स वीडियो देख सकते हैं, मगर आपने इजैकुलेशन नहीं करना। तीसरी कंडीशन ऐसी है कि नवंबर महीने में आपको एक बार सपना दोष हो गया तो चलता है। यदि आपको एक से ज़्यादा बार सपन दोष हो गया, मतलब वेट ड्रीम्स या नॉक्चर्नल एमिशंस, तो चलेगा नहीं, फिर आप ये मूवमेंट से या कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। ये जो है कॉम्पिटिशन, ये एक लोगों का अलग अलग तरह से मजा लेने का तरीका है, कंपटीशन अरेंज करने का तरीका है। और फिर दिसंबर महीने में अलग अलग किस तरह से आपने रोकना है, सेक्स करना है, फिर वो भी दिया गया है। और फिर दिसंबर महीने में आप सेक्स कर सकते हैं, इजैकुलेट कर सकते हैं, मगर उसमें भी कंडीशंस है कि कितने बार करना कितने बार नहीं करना। तो उसमें हम नहीं जाते हुए हम फिर अभी इतना ही देख रहे हैं कि नो नट नवंबर में आपको वीर्यपात नहीं करना है, ये पक्का हो गया। फिर ये क्यों करना है, तो यह ऐसा बोला जाता है कि आपको विल पावर आपके बढ़ाना है, आपका माइंड पावरफुल करना है, तो इसमें आप ये कंपटीशन में आ जाओ, ये स्पर्धा करो, और आप ये कंपटीशन में आके आपका कितना कंट्रोल है अपने आप के ऊपर, कितनी विल पावर आपकी है, वो भी प्रूव हो जाता है। ये स्पर्धा जो है, ये स्पर्धा में लोग भाग लेते हैं, कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं, और फिर इसमें प्राइज भी जीतते हैं। तो प्राइज जो जीतते हैं, पैसा जीतते हैं, तो वो पैसा डोनेशन के रूप में प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर, पौरुष ग्रंथि जो है उसके कैंसर के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। ये नो फैप मूवमेंट जो है वो अलग है। नो फैप मूवमेंट का मतलब ये होता है कि मास्टरबेशन नहीं करना, हस्तमैथुन नहीं करना, और वीर्य बाहर निकालना ही नहीं, कभी भी नहीं निकालना है। इसमें क्या है, इसमें नवंबर महीने का ही कंडीशन है सिर्फ। नो फैप मूवमेंट में जाने के लिए ये शुरुआत हो सकती है कि चलो नवंबर में मैंने देख सकते हैं अपन कि भाई वीर्य बाहर निकालने का नहीं है। यदि नवंबर महीने में हमने वीर्यपात नहीं किया, हम कंट्रोल कर सके, तो हम नो फैप मूवमेंट में जाएंगे। तो नो फैप मूवमेंट जो है कि हस्तमैथुन नहीं करना, वीर्य बाहर निकलना नहीं चाहिए, ये उसकी शुरुआत हो सकती है। ये जो कॉम्पिटिशन है, इसमें ट्विटर में काफ़ी सारे ट्वीट्स आते रहते हैं, कम्युनिटी उसमें शेयर करती रहती है, और आप भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप इजैकुलेट नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपको बहुत अनईजी हो जाएगा। इजैकुलेशन करने के समय आप जब नीचे जो चमड़ी चिपक जाती है नीचे के बाजू में, वहाँ प्रेस करते हैं, और प्रेस करके आप वीर्य को बाहर निकलने नहीं देंगे तो वीर्य अंदर के अंदर ही वापस जाएगा, और हो सकता है कि वो ब्लैडर में चले जाएगा और वो यूरिन में मिक्स हो जाएगा। अभी क्या होता है कि वीर्यपात नहीं करते हैं तो आपको, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, आपको टेंशन भी आ सकता है, आपको प्रेशर भी दिमाग में आ सकता है, मेंटल प्रेशर आ सकता है, और जो मज़ा आना चाहिए वो रिलैक्सेशन का, वो भी नहीं आएगा। तो इसका उल्टा भी असर हो सकता है, आपको रेस्टलेसनेस है, आपको टेंशन है, आपका चिड़चिड़ापन हो जाएगा, और हो सकता है कि आपकी पार्टनर भी खुश नहीं होगी, तो इसके दुष्परिणाम भी है। वैसे जो इजैकुलेट नहीं करते हैं बार बार, तो वो लोगों में ऐसा पाया गया है कि प्रोस्टेट कैंसर का चांस ज़्यादा है, प्रोस्टेटिक कैंसर का, पौरुष ग्रंथि का कैंसर का चांस ज़्यादा है। अभी यदि आप नवंबर महीने में पूरा इजैकुलेट नहीं करेंगे और अंदर ही अंदर रखेंगे, जो भी अपना दिमाग इधर उधर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, विल पावर बढ़ाएंगे, जो भी करेंगे, तो फिर स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि ये जब बाद में नवंबर महीने के बाद में जब इजैकुलेट करते हैं
तो बहुत फोर्सफुली इजैकुलेट करते हैं। उनके दिसंबर महीने के सेक्स में बहुत उनको मजा आता है, सीमेन का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, स्पर्म का जो नंबर है वो भी बढ़ जाता है, ऐसा सब पाया गया है, क्योंकि वो पूरा नवंबर महीना अपना सीमेन बाहर नहीं आने देते, तो उनको दिसंबर महीने में बहुत एन्जॉयमेंट करनी मिलती है, बहुत अच्छा उनको एन्जॉयमेंट, मतलब जैसा आप फास्ट करते उपवास करते हैं और फिर उपवास के बाद में खाने में जो मज़ा आता है वो मज़ा फिर बाद में वो दिसंबर महीने में लेते हैं। तो नो नट नवंबर ये एक मोमेंट है, आप भी हिस्सा लेके देखो, मज़ा आएगा तो ज़रूर शेयर करो, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करना है, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।